Hey guys, welcome to RABIA Skincare और मैं हूँ RABIA. Normally जब हम ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं तो उससे या तो हमारी स्किन ख़राब होती है या फिर अगर हमको कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता तो उससे हमको पिंपल्स आने लगते हैं. लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा DIY कॉम्पैक्ट पाउडर जिसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी आपकी स्किन बेहतर होती जाएगी. कैसे? सबसे पहले तो ये आपके स्किन से ऑयल के प्रोडक्शन को कम करेगा. जैसे हम इसको अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन बिल्कुल मैट हो जाएगी, आपके फेस पे ऑयल बिल्कुल नहीं दिखेगा, जो मेरे ख्याल से कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर करता है. लेकिन ये टेम्परेरी नहीं है, इसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करते जाओगे तो आपकी स्किन से ऑयल का प्रोडक्शन कम होते जाएगा और आपकी ऑयली स्किन नॉर्मल हो जाएगी, आपकी ऑयली स्किन कंट्रोल में आ जाएगी. दूसरा, इसमें हमने एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ किए हैं जो पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, इसलिए आप इसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतने आपके पिंपल्स कम होते जाएंगे. और तीसरा, इसको आप फाउंडेशन क्रीम्स किसी पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगी नॉर्मल कोई एलोवेरा जेल अप्लाई करो उस पर यूज़ कर लो, खाली फेस बेयर फेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. वैसे ये कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, इसको आप जैसे कोई दवाई कोई मेडिसिन होती है उस तरीके से आप इसको यूज़ करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को ट्रीट करता है, आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है. लेकिन फिर भी जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन को सिर्फ मैट ही नहीं बनाता बल्कि ये आपकी स्किन को एक शेड लाइट भी करता है. तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है, क्योंकि इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है. लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 4 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी का कलर कुछ इस तरह का होना चाहिए. मैंने नोटिस किया है अलग अलग ब्रांड के अलग अलग शेड आते हैं, अलग अलग कलर आते हैं, तो आप कोशिश करना इस तरह का कलर यूज़ करने की, क्योंकि ये वार्म स्किन टोन से ज़्यादा मैच करता है. फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर और 2 टीस्पून नीम का पाउडर. अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. और क्योंकि हमने इसमें नीम का पाउडर ऐड किया है तो इसका कलर बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर. अगर आपकी स्किन फेयर की तरफ है तो आप इसमें 1 to 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन डार्क की तरफ है तो आप इसमें 1 to 2 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे. मैं यहाँ पे 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. कुछ ड्रॉप्स आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल के इसमें ऐड करें. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके जगह पे क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं. कुछ ड्रॉप्स इसके ऐड करें और इसको फाइनल मिक्स दे दीजिए. अब इसको किसी खाली कॉम्पैक्ट केस में डाल दीजिए. आपके पास कोई भी चूना पुराना कॉम्पैक्ट पाउडर पड़ा होगा जो आपके काम का नहीं है या आप उसको नहीं यूज़ करते, आप वो यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा मेबलिन वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ. जितना इसमें पाउडर आता है उतना इसमें डाल दीजिए और इसकी लेवलिंग कर दीजिए. अब इसको सेट करने के लिए आपको इसमें ऐड करना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. इसका कॉमन नेम है रबिंग अल्कोहल. ये आपको मेडिकल स्टोर वगैरह से शायद से इतना आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा. 40-45 रुपीज़ की इसकी छोटी बॉटल आती है और आपको इसके सिर्फ 2 ही ढक्कन इसमें ऐड करने हैं. लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये नहीं है या आप इसको नहीं परचेज कर सकते तो मैं आगे इसका आपको दूसरा ऑप्शन दूंगी. फिलहाल हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. 2 ढक्कन रबिंग अल्कोहल पूरे पाउडर पर अच्छे से ऐड करें. एक टिश्यू पेपर को लेकर इस पर प्लेस करें और लाइटली बिल्कुल हल्के हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करें और इसको 24 आवर्स के लिए 24 घंटों के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें. इतने घंटों में ये अल्कोहल इस पाउडर को सेट कर देगा और ये खुद इवेपोरेट हो जाएगा यानी कि उड़ जाएगा. 24 घंटों बाद आप इस टिश्यू पेपर को निकाल दीजिए. आप देख सकते हो कितना प्यारा कितना सुपर्ब लग रहा है. आपका DIY कॉम्पैक्ट पाउडर रेडी है. जैसे आप नॉर्मली कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करते हैं वैसे इसे आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें. आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, दोनों का शेड में भी फ़र्क है और ये वाली स्किन मेरी बिल्कुल मैट और फ्लॉलेस लग रही है. मैं आपको इसको अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी. पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास रबिंग अल्कोहल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो. आपको कुछ नहीं करना है. जो हमने पाउडर बनाया उसको किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए और आप उसको लूज़ पाउडर की तरह यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास यहाँ पे कलर बार का लूज़ पाउडर का कंटेनर है, मैं उसमें उसको स्टोर कर रही हूँ. लेकिन अगेन अगर आपके पास ऐसा कंटेनर नहीं है तो आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं. और ये हो गया आपका DIY लूज पाउडर भी रेडी. अब इन दोनों को मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. एक तरफ मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और एक तरफ ये लूज पाउडर. इस पाउडर में कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है. कोई भी जब आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेरी आपकी स्किन लाइट लगती है और जब वो निकल जाता है तो आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है. लेकिन इसमें जो मुल्तानी मिट्टी और सैंडलवुड पाउडर है ये आपके स्किन टोन को निखारेंगे. तो आप इसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तो सिर्फ टेम्परेरी नहीं परमानेंटली भी आपकी स्किन लाइट होती चली जाएगी, जो मेरे ख्याल से कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं करता.
आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, एक तरफ मेरी स्किन बिल्कुल ऑयली और शाइनी लग रही है और एक तरफ मेरी स्किन अभी बिल्कुल मैट हो गई है। अब दूसरी तरफ मैं इस लूज पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश को आप पाउडर में डिप करो, जो भी एक्सेस पाउडर है उसको टैप करो और नॉर्मली जैसे हम ब्रश से पाउडर को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं वैसे इसको अप्लाई कर लो। इतना सस्ता, इतनी अच्छी क्वालिटी वाला, आपकी स्किन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने वाला, आपके ऑयली स्किन को कंट्रोल करने वाला, आपके पिंपल्स को दूर करने वाला और आपकी स्किन टोन को लाइट करने वाला कॉम्पैक्ट पाउडर आपने शायद ही कभी देखा होगा। तो इसको जरूर बनाए, इसको यूज करें, उसका रिजल्ट मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करना नहीं भूले, क्योंकि आपके लाइक देखे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने को मन करता है। तो इसलिए लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। मैं आपको मिलूंगी ऐसे ही बहुत सारे यूनिक और अच्छे वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।